मैं दादू जी जो थारो नयो नयो ब्याह हो तो थारो कदे दिन में दादी जी से बातचीत को मन हो जा तो ठेके करता जी। मारा दादू जी बड़ा पंडित पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा हरिद्वार ताई भागे पंडताई का डंका बाजता। वह बोलिया बोलिया बेटा माल्ड टेम तो स्थिति बहुत बिकटी, शीर को तो घर घर में 70-80 आदमी, रामराज्य जिया को माहौल, तेरी दादी भी दोराणिया जिठाणिया के सागे चौका चूल्हा डांडा सासर में उलझी रहती, पण मैं भी तेरो दादो बड़े हरिद्वार पूजा करावा गयो ना, बठे से एक गंठी ले आयो टाली टाली समझो ना, अरे बस सारे दिन कुर्ता जी जेब में ही गलिया घूम तो कदे काऊ तेरी दादी से दिन में ही बातचीत करवा को मन हो जातो तो छात पर हेली पर चौबारा कमरा में जातो और घंटी बजातो, घर का समझता छोरो पूजा पाठ कर लियो है, तेरी दादी समझ जाती आज जाती बातचीत हो जाती। और हम दादू जी कमाल की ट्रिक भाई। अरे बाबा हरीश बाबा दादू जी यहाँ बताओ, मान लियो भी जमाना में नया नया ब्याह में कदे दादी जी कोई दिन में बतलावा को मन हो जातो तो भी आपकन कोई टाली राखता है के, अब नारी सुलभ लज्जा की बात आप तक पूछे तो आशीर्वाद दीजियो। दादू जी बोलिया तेरी दादी कदे ये चीरत फेकट सांग नहीं रचा, कोई टाली आपका नहीं राखी, बिको तो राम की बेटी को जो कदे का दिन में बतलावा को ही मन हो जा तो बातो झूठ मोटी घंटा दो घंटा से मेरे कन चौबारा रा कमरा में आती और मने पूछती राम थे अभी अभी घंटी बजाई के। अरे वाह 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 वाह। बुजुर्गा जी मस्त जवाब नहीं बाबा भाई, और से पर बात हुई बुजुर्गा पर नहीं हुई तो मेरो धर्म बने जी की छुटकी पे बात मैं करूं फिर बच्चे जी की मस्तिया है। मैं थाने बताऊं मस्ती तो अति अद्भुत बिखरी पड़ी है आपने कमाल की मस्ती, पर टाई का ही एक दादू जी अरबा को सास रोड़े सारे ही आपने 7-8 किलोमीटर ताऊ जी के सासरे में 12-15 दिन पहले ब्याह 70 का ताऊ ताऊ जी नयो साफो ले आया, नई कुर्तो शिमायो, नई धोती चमड़ा की नई जूती कुआ पर नयो लठ, आदमी 70 को भी बजाज साहब सासरे जाए तो टनाटन और जाए, पुरुष आशावादी रहे भी के मन में आस रहे बड़े साड़ी मिलेगी, हालांकि यह बात अलग है खुद 70 को ले तो जाड़ जबाड़ा साड़ी का भी घछड़ा तैयार है। अरे ताऊ जी बस नहीं उठी की सासरे का चाहो मैं पैदल ही फटकारो चेप दियो, चमड़ा की नई जूती एडिन काटबा लाज गई, ताऊ जी दोनों जूती काटी भी लठ पर टांग ली, ये पोजीशन में ही पूंछ का टाइकन भी गाँव जो ही वो स्टैंड आयो एक दुकानदार मस्करी कर ली, बोलो ताऊ जी आज तो परांठा भेजा ही ऊंचा टांगिया, बस जूतिया ने देखे मडोर खा ताऊ जी आज तो परांठा खूब ही ऊंचा टांगिया, अब आपने टाई को ताऊ 4 बार सुनी 5वीं बार जवाब चेप्यो, जवाब पूछे तो आप बुजुर्गा जी जिंदा दिली के लिए थारा हाथ उठे, ताऊ जी बोले अरे बेटा परांठा चाहे कत्ता ही ऊंचा टांग लियो गंडका की नजर तो पड़ी जाए है। जो मस्तियां आंखी बिखरी पड़ी है थे अत्तो बुजुर्गा जी बात ने अत्तो आनंद दे रहे हो तो थाने मारे दादू जी की एक विशेष बात अंतिम बता रहा दूसरी बात करेगा। दादू जी 92 साल का और कर गया अंतिम समय में कई बारी दादी ने कहता सुना है ये बनवारी की माँ जब मैं मरोग जा तो सामने करके लोग है ना रोबा ने बोला वो बोलो बोला जी दादी कहती जी सुबह सुबह बोलो और के मरबा की उपजे थाने के बात करो ओजुक देखता देख बनवारी की माँ मन सो बरस पूजा एक ना तो सामने करके लोग ने रोबा ने जरूर बुलाई। एक दिन दादी गुस्सा में बूझ लियो बोली जी आने क्यों बुलानी है, अब दादू जी को बोलो पण मासूमियत देखियो थे बोले बनवारी की माँ मैं 2-3 जगह ही देख लियो ये घर के लोग मुर्दा के बहुत बात गाल गाल रो है। यहाँ का तो दादा मिलेड़ा है मान कर पर ये बुजुर्ग नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता। 4 पंक्तियां ये हरीश हिंदुस्तानी तमाम बुजुर्गों के सम्मान में निवेदन करता है। वाह भाई वाह। 4थी पंक्ति पर आपको घर परिवार के बुजुर्ग याद आ जाए तो आपकी श्रद्धा की तालियां उनके श्री चरणों तक पहुंचाइएगा। कहा है कि बहार आए बिन कभी कोयल नहीं गाती, तब निवेदन करता हूं कि बहार आए बिन कभी कोयल नहीं गाती और बिना अग्नि के बाती कभी जल नहीं पाती, और माना जवानी तन मन को जोश देती है पर बुजुर्गों के आशीष बिन आफत टल नहीं पाती। वाह वाह वाह। उन तमाम श्रद्धेय बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। मस्तिया तो अति बिखरी पड़ी है भाई साहब, आज तो मैं बड़ा अपनत्व शेर शेखावाटी में कि ये बहुत ही बड़ा कवि सम्मेलन इसे हम कह सकते हैं, तो मैं थाने कविता